हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बाजरा राब लेके आई हूँ। इसकी विशेषता ये है कि ये गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडी रहती है और राहत देने वाली होती है, और ख़ासकर राजस्थान जैसे इलाके के अंदर जब गर्म लू चलती है। लू का मतलब तो आप समझते ही होंगे, राजस्थान के ही होंगे। लू का मतलब गर्म हवाएं होती है जिसमें टेम्परेचर होता है 45 to 50 के करीब होता है, तो उस समय ये राब है पीने से व्यक्ति सेफ रहता है और उसको लू लगने का डर नहीं रहता है। तो इसकी मैं आपको बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि क्या क्या चाहिए हमें। इसके लिए चाहिए ये छाछ है, और ये बाजरे का आटा है, नमक है और जीरा है, और साथ में थोड़ा सा तेल छोंक के लिए है 1 चम्मच के करीब। इसको बनाने के लिए पहले क्या करते हैं कि छाछ के अंदर बाजरे का आटा है, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उस तरीके से बाजरे का आटा बिल्कुल मिला के, और फिर इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के और छोड़ देते हैं। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी, पूरा अच्छे तरीके से ये मिल जाना चाहिए। इसको बनाने के बाद में हम इसको ऐसी जगह पे छोड़ते हैं जहाँ पूरे दिन इसको 6 घंटे की धूप लग जाती है। 6 घंटे की धूप इसको खिलानी पड़ती है। अब देखिए, ये पूरा बाजरे का आटा और छाछ है वो मिल गई है, और इसमें हम इतना पानी ऐड कर देते हैं 1/2 गिलास के करीब। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी मिला सकते हो उसमें, वरना आप इतना पानी मिला सकते हो। अब हम इसको 6 घंटे के लिए धूप में छोड़ देते हैं जिससे इसको अच्छी तरीके से धूप लग जाएगी। इस धूप लगने का कारण यही होता है कि जब हम इसको पीते हैं सूप के रूप में, तो फिर हमें वो लू जो इसने सहन की है वो सहने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, तो जिसके कारण हम इस लू के बचाव के लिए गर्मियों के दिनों में इसको पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं अब आपको इसको बनाने की विधि बताती हूँ। हमने गैस स्टार्ट की है, अब इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है मैंने। इसमें जीरे का छोंक लगाएंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अब हम इसको देखेंगे, ये धूप से लगा के मैं ले आई हूँ। अब देखिए, इसके अंदर पानी ऊपर आ गया है, और वो जो आटा हमने आटा और छाछ डाली थी वो नीचे बैठ गया है, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा पेस्ट है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, और वही बात है कि ये शरीर को राहत देने वाला है, ठंडक देने वाला है, साथ में प्रोटीन भी हो गया, दही के माध्यम से कैल्शियम भी मिलेगा हमें, और बाजरे से आयरन की भी प्राप्ति होती है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, तो इसलिए वैसे भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिट वाला सूप है ये। इसको हम गर्म भी यूज़ कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा जीरा है वो गर्म हो गया। इसमें हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहले हम खाली ये इसके अंदर जो पानी है ऊपर वाला वो पानी ही डालेंगे सूप के अंदर, ये पानी पूरा बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम ये नीचे वाला डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। ये आटा मैंने नीचे रख लिया है। नमक का यूज़ आप बनाते समय भी यूज़ कर सकते हो, और जो आपने घोल बनाया है उसके अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। दोनों बार आप जब चाहे जब डाल सकते हो, चाहे छाछ के खट्टे में भी डाल सकते हो या बनाते समय भी आप यूज़ कर सकते हो।
ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आप किस तरीके का नमक खाना पसंद करोगे, तेज या कम, तो आप उस हिसाब से डालोगे। अब ये पानी हमारा बॉईल हो गया है, अब ये नीचे वाला आटा है वो हम डालेंगे, और इसको डालते समय हमें अपनी चम्मच है वो घुमाते रहनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी कढ़ी बनाते हैं उसमें भी वो लम्स पड़ने का डर रहता है ना, उसको हमें चलाते रहना पड़ता है, तो वैसे ही इनके साथ भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। सर्दी में इसे गर्म खाना पसंद करते हैं कई व्यक्ति, सूप की जगह आप सर्दियों में गर्म यूज कर सकते हो। इसमें आप पनीर का भी यूज कर सकते हो, ब्रेड है वो भी आप फ्राई करके और इसके साथ आप डाल सकते हो। ये हमारी गाढ़ी होने लगी है, ये देखिए। इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो बनाते समय भी। ये तैयार हो गई है, नमक और डाल देती हूँ। जैसे हम कढ़ी को उबाल देते हैं ना, उस तरीके से ही इसको उबाल देके और फिर बंद कर देना। राब हमारी तैयार है, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके की इसकी बिल्कुल कढ़ी के तरह ही है। कढ़ी में हम बेसन का घोल बनाते हैं और इसमें हम बाजरे के आटे का घोल बनाते हैं। अब देखो इसको ऐसे बाउल में डाल के आप इसको सर्व कर सकते हो। इसमें फ्राई करके अगर गरम आपको पीना है तो ये सूप की तरह आप इसमें पनीर के टुकड़े डाल दो या ब्रेड के पीसीज है वो तल के डाल दो, तो इससे क्या है आपका बहुत ही टेस्टी सूप है वो तैयार हो जाएगा। और वरना दूसरे दिन हम गर्मी में इसको प्याज के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्याज डाल के इसका टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। आपको पता है प्याज है वो गर्मी में वैसे ही बहुत बेनिफिट वाला होता है, वो भी गर्मी से बचाने वाला, लू से बचाने वाला होता है, तो दोनों का जब एक साथ मेल हो जाता है तो वो डबल फायदे वाली बात होती है। तो इसलिए आप दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके बाय।